कर लिए थे, लेकिन अभी भी कुछ टॉपिक इस चैप्टर के बाकी है, वो आज हम देखेंगे। तो हमने माउंटेन कैंप देख लिया था, फिर बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देख ली थी, उसके बाद ग्रुप नंबर 7 के बारे में भी पढ़ लिया था, जिसका लीडर कौन था, संगीता थी। तो वो कहाँ की टीचर थी, तो वो केंद्रीय विद्यालय की टीचर थी, मतलब क्या कि वो केंद्रीय विद्यालय के बच्चों को पढ़ा रही थी। क्रॉसिंग द रिवर क्रॉस की थी ना उन्होंने, वो भी हमने देख लिया है। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रॉक क्लाइंबिंग, मतलब क्या, पर्वतों पे चढ़ाई करना, तो आज हम वो देखेंगे। वी हैड टू क्लाइंब 15 किलोमीटर टू रीच टेकला विलेज। कितने किलोमीटर तक हमको चलना था टेकला विलेज जाने के लिए, तो 15 किलोमीटर। इट वॉज एट अ हाइट ऑफ 1600 meters। उस क्लाइंबिंग मतलब उस पर्वत पे चढ़ने के लिए हाइट कितनी थी उसकी, तो 1600 1600 1600। Our rucksacks had all that we needed: food packets, water bottle, rope, hook, plastic sheet, diary, torch, towel, soap, wind cheater, whistle, glucose, jaggery, and chana and some other snack. उन्होंने अपने बैग के अंदर क्या भरा था? तो बहुत सारे खाने की चीजें, जैसे कि food packets थे, water bottle थी, रोप मतलब रस्सी, हुक मतलब रस्सी को बांधने के लिए जो हुक होता है वो, प्लास्टिक से मतलब कहीं पे आपको अगर बैठना है तो आप वो बिछा के बैठ सकते हो, डायरी मतलब कुछ लिखना होगा उनको, इसलिए उन्होंने डायरी भी ली होगी, टॉर्च मतलब जब रात में अंधेरा हो जाए तो उनको आसानी से दिख सके, टॉवेल, सोप, साबुन, विन चीटर मतलब क्या, वो एक तरह का एक जैकेट आता है, तब क्या होता है आप उसको पहन लेते हो और आप रॉक क्लाइंबिंग करते हो, तो उस वक्त जो हवा आती है उस हवा के कारण आपको पीछे ना धकेल दे, उसके कारण वो आप पहन सकते हो। विसल मतलब सिसोते, ग्लूकोज मतलब जो पानी के अंदर एक पाउडर डाल के देते हैं उससे क्या होता है हमें ताकत मिलती है। जैगरी मतलब क्या, गोल चने एंड अदर स्नैक्स। वी कुड सी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ग्रोइंग इन द स्टेप फील्ड्स। जब हम पर्वतों पे चढ़ाई कर रहे थे तो हमने देखा कि वहां पे बहुत सारे फलों के और सब्जियों के पेड़ लगे हुए थे। वी सो कर्नल राम सिंह स्टैंडिंग ऑन अ 90 meter हाइट फ्लैट रॉक विथ पेजेस एंड रूफ्स। जब हम पर्वत पे चढ़ाई कर रहे थे तो हमने देखा कि 90 मीटर की दूरी पे हमारे जो कर्नल थे, हमारे जो हमें जो गाइड करने वाले थे सर, वो राम सिंह, वो वहां पे खड़े हुए थे। क्या लेके खड़े हुए थे, तो रोप्स और पेजेस लेके खड़े हुए थे, मतलब क्या, हुक एंड रस्सी लेके खड़े हुए थे। वी हैड बीन टोल्ड टू फर्स्ट ऑब्जर्व द रॉक केयरफुली एंड आइडेंटिफाई होल्ड्स। हमें क्या वो गाइड कर रहे थे कि जब हम रॉक क्लाइंबिंग कर रहे हैं तब हमें क्या देखना है, होल्ड मतलब क्या, कहाँ कहाँ पे जगह है, प्लेसेस वेयर वी कैन पुट अवर हैंड्स एंड फीट, मतलब क्या, कैसे हमें पर्वतों पे अपने पैर जमाने हैं, मतलब कैसे सावधानी से हमें हमारे पैर रखने हैं, हाथों को कैसे पकड़ना है रस्सी से। टुडे आई वॉज नॉट गोइंग टू बैक आउट, संगीता ने क्या बोला कि आज मैं पीछे हटने वाली नहीं हूँ। आई स्टूड फर्स्ट इन द लाइन, आज तो मैं लाइन में सबसे पहले खड़ी होंगी। हमने देखा था कि संगीता ने रिवर क्रॉसिंग के वक्त वो लाइन में सबसे पीछे होके खड़ी हुई थी, क्योंकि क्या था उसको डर लग रहा था। लेकिन अब क्या हुआ, उसने रिवर क्रॉस कर ली तो उसमें हिम्मत आ गई थी, इसलिए अब रॉक क्लाइंबिंग वो क्या करने वाली थी, तो सबसे पहले जाकर खड़ी हुई। उसने बोला कि आज मैं पीछे हटूंगी नहीं। अवर इंस्ट्रक्टर टाइड अ रोप अराउंड हिज वेस्ट। जो इंस्ट्रक्टर था राम सिंह, उसने क्या किया, अपने कमर पे रस्सी बांध दी। He put the sling and held the thick rope which was hanging. क्या किया? उसने रस्सी को पकड़ा और हैंगिंग मतलब
जहां पे उसको डोरी लगानी थी वहां पे उसने हैंग कर ली. He started climbing as if he was running up. कैसे कर रहे थे? फटाफट से ऊपर चढ़ रहे थे जैसे कि वो भाग रहे हो. I also put my sling. क्या किया संगीता ने भी अपने कमर पे रस्सी बांधी. But as I took my first step, I slipped. लेकिन संगीता के साथ क्या हुआ? जैसे ही वो उसने पहला कदम रखा अपना वो फिसल गई. And there I was swinging from the rope. Keep your body at an angle of 90 while climbing. I hear. वो उनके जो कर्नल थे राम सिंह उन्होंने संगीता को क्या बताया कि जब आप पर्वत पे चढ़ाई कर रहे हो तब आपकी बॉडी किस एंगल पे होनी चाहिए? तो 90 डिग्री एंगल पे. कीप योर बैक स्ट्रेट, डू नॉट बेंड. आपका जो आपका बैक है मतलब पीछे का जो हिस्सा है उसको स्ट्रेट रखना है, उसको मोड़ना नहीं है. कीपिंग दिस इन माइंड, ये सारी चीजें हमें याद रखनी पड़ेगी. आई इमेजिन द रॉक एज फ्लैट ग्राउंड एंड स्टार्टेड टू क्लाइम अप. संगीता ने दिमाग में सारी बातें बिठा ली और उसने चढ़ना चालू किया. अगेन व्हाइल कमिंग डाउन वी हैड टू यूज द रोप. जब हमने क्लाइंबिंग खत्म कर लिया तो अब हमें नीचे भी आना था, तो सेम प्रोसेस हमने वापस से की. इन अ स्पेशल वे कॉल्ड रैपलिंग. जब हम नीचे उतर रहे थे तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? रैपलिंग. आई डिड दिस विद द सेम फियरलेस. नीचे उतरने का काम भी मैंने अच्छे से बिना डरे ही कर लिया. तो ये हमारा रॉक क्लाइंबिंग का टॉपिक खत्म होता है. अगला टॉपिक हमारा है फनी इंसिडेंट्स. वो लोग हम दूसरे वीडियो में देखेंगे. थैंक यू.